दादासाहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन से हमारे ताल्लुकात हैं, और जब उन्होंने बात की कि वो लोग 100 साल पूरे हुए हैं उनको, उसके लिए सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, तो हमारी भी यही इच्छा है। दादासाहेब फाल्के के प्रति हमारे रिस्पेक्ट है और वी आर हैप्पी एंड प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दैट सेलिब्रेशन। आज हम इसका अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं ये साल में, लेटर ऑन नवंबर या दिसंबर में, अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, तो उस दिन ये अवार्ड जैसा एग्जैक्टली अवार्ड जैसा नहीं, हम फेलिसिटेशन है। 100 साल जब हम इसको ये सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो जिन जिन व्यक्तित्व ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए नोटेबल कंट्रीब्यूशन किया है, उनको हम ऑनर करने जा रहे हैं, यही है। घटना तो बहुत ही बेहतरीन चल रही है और अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। And we really like to celebrate this thing, you know. और सर दादा साहब फाल्के कितना मानी रखता है एक्टर लोग आर्टिस्ट लोग, वो तो जनक है ना, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जनक है वो। तो कभी कभी कैसे होता है सेलिब्रिटी आती नहीं, पर दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है कुछ भी हो, वो डिटेल में अभी वो बाद में बताएंगे, आज इतना डिटेल। भाई जी इंटरनेशनल के साथ मैं पहली फिल्म कर रहा हूँ, ये कॉल है, और जिसमें मेरा किरदार तो हमेशा की तरह नहीं है, जैसा हमेशा की तरह मुझे पुलिस वाला बनाया जाता है, बट इस बार मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, मेन विलन हूँ फिल्म में। मज़ा आया मराठी प्ले करने को, बिकॉज बीइंग अ नॉन मराठियन मराठी कैरेक्टर प्ले करना मेरे लिए एक अपने आप में एक चैलेंज था, बहुत अच्छा लगा प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करके। और दादासाहेब फाल्के अवार्ड के लिए तो मेरा सिर्फ सैल्यूट है, दैट इज़ व्हाट, इसके आगे मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि शब्द नहीं है उनके बारे में बोलने के लिए। थैंक यू।